यदि आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर यदि आप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर बहुत अच्छी सर्विस दे या काफ़ी लंबे समय तक वो चले, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट करे और अच्छे से चले, कोई दिक्कत ना आए, लंबी सर्विस दे, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, कोशिश करें कि आप अपने जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें UPS लगा करके रखें और बाकायदा उसमें 10 मिनट का कम से कम बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कभी जैसे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और अचानक लाइट गोल होती है तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं होना चाहिए, उसका जो प्रॉपर तरीका होता है शट डाउन हो, प्रॉपर तरीके से शट डाउन हो, है ना, अचानक बंद ना हो, इसके लिए UPS हम लगाते हैं अपने सिस्टम से। तो UPS लगा करके रखें यदि आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम लंबे समय तक अच्छी सर्विस दे, बीच में कोई दिक्कत ना करे, ख़राब ना हो, तो आप अपने सिस्टम से UPS लगा करके रखें, ठीक है। तो जैसे ही लाइट गोल होगी तो UPS आपको आपके सिस्टम को बैकअप देगा और आप उसको आराम से शट डाउन कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद होने से बचाएं, ठीक है। कई बार UPS लगने के बाद भी लोग डायरेक्ट बंद कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप गौर करें कि कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो, ठीक है। UPS यदि लगा है तो आप प्रॉपर तरीके से उसको शट डाउन करें, लाइट भी यदि गोल होती है तो आप उसको आराम से शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करके आप शट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉपर शट डाउन करें, इसका भी एक तरीका होता है कि आपको स्टार्ट पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, उस पे जाके क्लिक करना है। कई लोग डायरेक्ट स्विच बटन से बंद कर देते हैं, ठीक है ना, स्विच बटन से बंद कर देते हैं कई लोग। और दूसरा तीसरा जो देखते हैं अपन यहाँ पे, यदि पता हो कि लाइट गोल होने वाली है आपको, या आपके सिस्टम में UPS नहीं लगा है और आपको मालूम है कि इतने बजे हमारे यहाँ लाइट गोल होती है, तो आप लाइट गोल होने से पहले अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। बीच बीच में आप अपने कंप्यूटर की क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर में काम करते हुए कुछ टेम्परेरी फाइलें बनती रहती हैं, ठीक है ना। इंटरनेट यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कुकीज़ वगैरह उसमें आते रहते हैं, कुछ टेम्परेरी फाइल्स जनरेट होती रहती हैं, तो उसको क्लीन करते रहें। उसके लिए देखिए मैंने 3 कमांड यहाँ पर लिखी हुई है, आप रन विंडो, विंडो प्लस R प्रेस करेंगे तो रन विंडो आपके सामने आएगी। रन विंडो पे आपको पहली कमांड लिखनी है प्रीफिक्स PREFETCH, प्रीफिक्स लिख के एंटर करेंगे, फिर वो जो भी पूछेगा, जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा उसमें बहुत सारी आपकी ये जो है वेस्ट फाइलें रहेंगी, उनको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद क्लोज करके दूसरी बार फिर आपको रन विंडो पे ये टाइप करना है %temp%, एंटर करते ही जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उनको टेम्प फाइलों को, ठीक है। उसके बाद आपको फिर वापस आना है रन विंडो पे, फिर रिसेंट टाइप करके एंटर करना है, जो आपकी गंदी फाइलें होंगी, कचड़ा होगा, उसको वो सब खुल जाएगा, उसको ऑल सेलेक्ट कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रन विंडो पे वापस आना है और टेम्प लिख करके, इसके अलावा आप इन सब चीज़ों के अलावा आप डिस्क क्लीन अप भी कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू पे जाकर ऐसे सीरीज पे जाके आपको वहाँ डिस्क क्लीन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप क्लीन कर सकते हो, डिस्क को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। रिसाइकल बिन खाली कर सकते हो, इससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा बेटर हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ा सा और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका सिस्टम देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।